हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है देवेंद्र और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जेस्ट मनी EMI के बारे में। फ्रेंड हमें जेस्ट मनी से EMI मिलता है। जैसे हम जेस्ट मनी से कोई हमें लोन मिलता है फ्रेंड, ये जिसको हम शॉपिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे हम ये अपने बैंक में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते फ्रेंड, तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम बात करते हैं। फ्रेंड, पहला सवाल ये रहता है, क्या जेस्ट मनी सच में हमें लोन देती है? जी हाँ दोस्तों, फ्रेंड हमें लोन मिला है। जब हमको लोन मिल गया तो आपको ज़रूर मिलेगा फ्रेंड। मैं कोई नौकरी नहीं करता हूँ फ्रेंड, हमें 15,000 की लिमिट मिली। आपको मैं दिखा देता हूँ अभी, 15,000 की लिमिट मिली फ्रेंड। पहले मैंने इसे अप्लाई किया था तो इसमें 90 दिन के बाद मुझे फिर अप्लाई करने का मौका मिला। पहले मैंने इसे अप्लाई कर दिया था तो पहले बार में नहीं हुआ था। मैं दूसरी बार जब 90 दिन के बाद अप्लाई किया तो मुझे इसमें 15,000 की लिमिट मिली। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं, मैंने पेटीएम से भी परचेस किया है। हमने इसमें 5,000, 2,000 और 1,149 रुपये का सामान परचेस किया है। तो मैंने अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इसके बारे में। फ्रेंड देखिए, मैंने इसकी 3 EMI पे कर दिए, 3 हमारी बची हुई है, 5,000 का जो है मेरा। फ्रेंड लोग दूसरा सवाल करते हैं, जैसे कि हमें क्या लोन मिल सकता है जेस्ट मनी में? जेस्ट मनी में आप फ्रेंड आपको लोन मिल सकता है। आपको सिर्फ आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए जिस पे थोड़ा लेन देन ज़्यादा हो, और पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, और एक मोबाइल बैंकिंग नेट बैंकिंग आपकी होनी चाहिए। फ्रेंड जब आप अपना डॉक्यूमेंट अपडेट करते हो, सब आप फिलअप कर देते हो, उसके बाद आपको लास्ट में अपना खाते की डिटेल दिखानी हो रहती है। आप या तो अपना स्टेटमेंट दिखाइए। स्टेटमेंट में फ्रेंड पता नहीं होता है कि नहीं होता, लेकिन अगर आप नेट बैंकिंग से करते हो तो आपका 100% हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, हमने पहली बार मैंने अपना स्टेटमेंट अपलोड किया था, पहली बार नहीं हुआ मेरा। दूसरे बार में मैंने इसको अपना स्टेट बैंक का नेट बैंकिंग से लॉगिन किया था तो हमारा हो गया था। हाँ फ्रेंड, दूसरी बात, तीसरी बात, अगर आपका ये लोन अप्रूवल हो जाता है तो आपको ये नोच फॉर्म फिलअप करने के लिए देगा। नोच फॉर्म फिलअप करिएगा तो आप ध्यान दीजिएगा, आप ज़्यादा लिमिट मत करिएगा। आपको 5,000 से 1,000 रुपये की नोच फॉर्म फिलअप करिए। जैसे वो आपके पास भेजेगा, आप उसमें क्लिक करोगे कि आपको कितने का सामान परचेस करना है, तो आप उसमें 1,500 ही करिएगा। क्योंकि जो आप परचेस जैसे जो इसमें साइन, जैसे उसको आप साइन करोगे, एक फॉर्म आप निकालोगे, प्रिंट आउट निकाल के उस पर अपनी दस्तखत करोगे, आपका अकाउंट नंबर सब मेंशन रहेगा उसमें, और उसमें आप जितनी रकम चुने रहोगे उसकी, जिस दिन वो फॉर्म आप वहाँ से दुकान से आप उसको फ़ोटो स्टेट करा के अपलोड करोगे साइन करने के बाद, उसी दिन से आपकी EMI स्टार्ट हो जाएगी फ्रेंड 1,000 की। इसलिए मैं बोलता हूँ आप 1,000 की करिएगा, 500 की करिएगा, क्योंकि अगर इतना EMI आप करोगे तो अच्छा रहेगा। पहली बार लोग समझ नहीं पाते हैं, जितना लिमिट उनको मिलती है उतना कि वो EMI भर देते हैं, और उनको EMI भरना बड़ा मुश्किल हो जाता है फ्रेंड, क्योंकि वो अपने अकाउंट से सामान भी नहीं, वो पैसे भी नहीं निकाल पाते हैं, ना ही वो अपनी परचेस करते हैं, उनका EMI कटने लगता है। इसीलिए लोग कमेंट करते हैं कि EMI है मेरा, EMI कट रहा है, मैंने कुछ लिया नहीं, EMI कट रहा है। तो फ्रेंड आप 1,500 की करिएगा, उसके बाद आप फार्म भरने के बाद आप निश्चिंत मत हो जाइएगा, आपका वो पैसा उसी दिन से वो चार्ज करने लगेगा। आप उसको ध्यान से जो सामान परचेस करना रहेगा उसको परचेस कर लीजिएगा, और महीने में आप लॉगिन करके देख लीजिएगा आपका कब पेमेंट कट रहा है। तो आप जिस अकाउंट से अपना वेरीफाई किए रहोगे कि अकाउंट खाते से, उसको उसमें पैसे रख लीजिएगा, या नेट बैंकिंग आपके पास है तो आप ऑनलाइन पे भी कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, और फ्रेंड चौथी बात, अगर आप 6 महीने की EMI पे करते हो, EMI आप सेलेक्ट करते हो, तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना रहता है फ्रेंड। आपके अकाउंट से इंटरेस्ट जोड़ के पैसा लिया जाता है, आपके अकाउंट से इंटरेस्ट जोड़ के पैसा लिया जाता है, मगर वो पैसा आपको रिफंड हो जाता है फ्रेंड। मैं आपको अभी तो नेट बैंकिंग से नहीं दिखा सकता, मैं मेरा पैसा वापस आया है, इसलिए मैंने देखे फ्रेंड, मैंने जितनी भी अपनी मेरा लोन हुआ है सब मेरा 6-6 मंथ के लिए हुआ है। ठीक है फ्रेंड, देखिए मेरा ये अप्रैल तक चलेगा। अगर आप 6 महीने की EMI पे करते हो तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा फ्रेंड। तो आप
छोटा अमाउंट करिए, 6 महीने का करिए, कोई इंटरेस्ट आपको देना नहीं रहेगा। अगर आप ज़्यादा की करते हो तो आपको कुछ चार्ज देना होता है, उसके बारे में मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने ज़्यादा का, मैंने 6 महीने से ऊपर का मैंने कोई लेन देन नहीं किया है। फ्रेंड आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ अपना सारी EMI के बारे में, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैंने 2000 की 5000 और पेटीएम से एक परचेस किया था। तो फ्रेंड आप भी करिएगा 6 महीने का, आपका बजट जिस हिसाब से हो उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। मेरा देखिए अभी 6 महीने का है। तो फ्रेंड आपको लोन मिलेगा, अगर आप पहली बार में आपको लोन नहीं मिल पा रहा तो आप 3 महीने बाद अप्लाई, 90 दिन बाद अप्लाई करिएगा तो आपको 100% लोन मिल जाएगा। फ्रेंड इसमें देखिए फ्रेंड मेरी अभी लिमिट इतनी बची हुई है। फ्रेंड देखिए मेरा 10,874 रुपये बचा हुआ है, मेरे को 15,000 की लिमिट मिली थी। तो फ्रेंड आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आप कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा था। ठीक फ्रेंड, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।